वीकर सेक्शन जो है उसको पकड़ना जरूरी है, पर उसमें कोई सब लोग हैं। और मैं सोचता हूँ उनको मैं सीख नहीं दे सकता, इतने ही सुझाव मैंने दिया कि जो कमजोर तबके के लोग हैं जो कांग्रेस के पास थे वो फिर से उनमें ही उन्हीं में काम करके लाया जा सकता है। और मैं कहूँगा कि वो काम जो है वो दिल से राहुल जी कर सकते हैं, इन वर्गों के लिए दिल से। अब जैसे मान लो मेरे लिए इतनी ममता इनको है कि कोई नेता देश में नहीं है जिसको इतना मोहब्बत मेरे प्रति हो। सर जी एक सवाल है, राहुल जी ने कहा आप उनके राजनीतिक गुरु हैं, काफी कुछ सीखा है, आप चाहेंगे कि राहुल जी अब कांग्रेस की बागडोर संभाले, अध्यक्ष पद संभाले, आप उनके गुरु भी हैं तो टिप तो दे ही रहे होंगे, और अब वक्त आ गया कि राहुल जी को फ्रंट से आगे लीड करना चाहिए कांग्रेस पार्टी का? क्यों नहीं, यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो उसको यदि कहीं सबसे ज्यादा 24 घंटे चलाता है तो वो राहुल जी चलाते हैं, और मैं सोचता हूँ कि उनको अध्यक्ष बनना चाहिए, अध्यक्ष बनाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, तभी बड़ा काम होगा। राहुल जी आप अपने राजनीतिक गुरु की सलाह को आप मानेंगे और आने वाले वक्त में आप ये जिम्मेदारी लेंगे? वो देखने की बात है, मगर आज जो यादव जी ने कहा उससे मैं सहमत हूँ कि देश की हालत बहुत खराब है, नफरत फैलाई जा रही है और देश को बांटा जा रहा है, और ये हम सबके सामने ये लड़ाई है, देश को हमें एक साथ लाना है, एक बार फिर भाईचारा जो हमारी जो हमारा इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है, उस पथ पर फिर से चलना है। मगर मुझे मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि शरद यादव जी बीमार हुए, काफ़ी लंबे समय से बीमार थे, और मैं बहुत खुश हूँ कि फाइटिंग फिट है और देखिए मुस्कुरा रहे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर से ये इन्होंने मुझे राजनीति के बारे में बहुत सिखाया, एक दो घंटे मेरी एक बार इनके साथ मैं गाड़ी में बैठा, हमारा शायद आंध्रा में प्रोग्राम था, तो उसके बाद मैं 3 घंटे गाड़ी में शरद यादव जी के साथ था, और शरद यादव जी ने जो मुझे 3 घंटे में बताया हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में वो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से थोड़ा सा कर सकते, क्या आपको लगता है कि आपके समय में सारे पुराने समाजवादी नेताओं को एक साथ आने की जरूरत है? महंगाई भी बहुत बढ़ गई, 400 रुपए के ऊपर नींबू का रेट है, वेजिटेबल सारी 100 रुपए के ऊपर, ट्वीट भी किया है। लोग सोचते हैं कि इकोनॉमी जो होती है, महंगाई जो होती है, वो समाज की कंडीशन से अलग होती है। जिस देश में हार्मनी नहीं होती है, शांति नहीं होती है, उस देश में महंगाई बढ़ेगी, उस देश में नफरत बढ़ेगी, इकोनॉमी चल ही नहीं सकती है, रोजगार मिल ही नहीं सकता है। अगर देश को मजबूत बनाना है तो सबसे जरूरी चीज शांति, हार्मनी, ये है। और बीजेपी के लोग सोचते हैं कि नफरत फैलाकर, लोगों को डराकर, लोगों को मारकर इंडिया की, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, गलत फहमी में है। राहुल जी आप लगातार ये कहते रहे हैं कि इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली मौजूदा वक्त की सरकार है, अभी ये खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से बाहर निकली है कि जो हालात मौजूदा वक्त में देश के हैं वो हालात श्रीलंका जैसे होते जा रहे हैं, यानी श्रीलंका नहीं, मैं आपको ये बता देता हूँ, आप हिंदुस्तान की जो आर्थिक सिचुएशन है, रोजगार की सिचुएशन है, उसको आप अभी इमेजिन ही नहीं कर सकते, जो आने वाला है वो आपने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है, क्योंकि इस देश का जो रोजगार का स्ट्रक्चर है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो टूट गई है, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस हैं, छोटे दुकान चलाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर जो था, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट सोचते हैं, ब्यूरोक्रेट सोचते हैं
कि इसका कोई मतलब ही नहीं, वो दूसरे देशों को देखकर अपना प्लान बनाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के माइंड में है कि भैया देखो साउथ कोरिया ने क्या किया, हमें भी करना चाहिए। वो बाहर देखते हैं और फिर कहते हैं हाँ हमें वैसे बनना है। उस प्रकार से काम नहीं हो सकता। हमें सबसे पहले यह पहचानना है कि हम हैं क्या और यहां क्या चलता है। तो ये रीढ़ की हड्डी जो इन्होंने तोड़ी है, इसका रिजल्ट अगले 2-3-4 साल में आएगा और भयंकर भयंकर रिजल्ट आएगा। राहुल जी, राष्ट्रपति का चुनाव नजदीक है, विपक्षी पार्टियों के पास उतनी संख्या नहीं है। कहा जा रहा है विपक्षी पार्टी एक साथ एक यूनाइटेड एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे, इस तरफ आप लोगों का कुछ है क्या? इस पे आज कोई बात नहीं, इस पे अभी मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, इसमें जाना नहीं चाहता हूँ। सर, पेट्रोल डीजल का डिस्कशन जो है महंगाई पर, पूरा विपक्ष जो है पूरे बजट सेशन के अंदर मांग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन पहले ही हाउस को सैनिटाइज कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने तो ये इल्जाम लगा दिया कि सरकार जो है महंगाई के बहस से चर्चा से डर के भाग गई। देखिए, रियलिटी से कोई नहीं बच सकता। टेम्पोरेरिली मॉडर्न पॉलिटिक्स में रियलिटी से बचने का तरीका मीडिया है। मीडिया को आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल मीडिया के थ्रू आप सच्चाई को दबा सकते हो, छुपा सकते हो, मगर जब वो सच्चाई युवा के पेट तक पहुंचती है, युवा के माता पिता के पेट तक पहुंचती है, तो फिर मीडिया उसको नहीं संभाल पाता है। पिछले 2-3 साल मीडिया ने सच्चाई को छुपाया है। हमारे इंस्टीट्यूशंस ने, मीडिया ने, बीजेपी के नेताओं ने, आरएसएस ने सच्चाई को छुपा के रखा है। अब आस्ते आस्ते सच्चाई बाहर निकलेगी। वही हुआ है श्रीलंका में। श्रीलंका में सच्चाई बाहर आ गई, हिंदुस्तान में सच्चाई बाहर आएगी। फर्क क्या है? हिंदुस्तान को बांटा भी गया है। हिंदुस्तान में अलग अलग ग्रुप्स बना दिया। पहले ये एक देश हुआ करता था, अब अलग 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 देश के अंदर अलग अलग देश बना दिया है। एक इन लोगों का देश, दूसरा इन लोगों का देश, तीसरा इन लोगों का देश, और इन सबको एक दूसरे से लड़ाया जाता है। तो जब ये दर्द आएगा तो हिंसा आएगी। अभी मत मानो मेरी बात, अभी मत मानो, 2-3 साल रुक जाओ। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ये जो इलेक्टोरल मैंडेट है वो एक तरह से उनको इस बात का मैंडेट देता है, जो पॉलिसी सरकार लेके आ रही है या पेट्रोल डीजल एलपीजी, इलेक्टोरल मैंडेट क्यों नहीं विपक्ष के साथ है? क्या आप लोग देश की जनता को बिकॉज देर इज 100% टोटल डोमिनेशन of the instruments of communication of this country. Media is 100% controlled. CBI, ED, these institutions suppress the conversation. Other institutions block the conversation. Loudspeaker सरकार के हाथ में है। पहले क्या होता था? Loudspeaker सरकार के हाथ में होता था, opposition के हाथ में होता था, कभी समाजवादी के पास चला जाता था, कभी कांग्रेस के पास चला जाता था, कभी बीजेपी के पास, बीएसपी के पास। अब क्या है? अब लाउडस्पीकर किसी पार्टी के पास नहीं है, अब लाउडस्पीकर आरएसएस और बीजेपी के हाथ। राहुल जी, नहीं तो मेरा तो जवाब क्या है? जवाब यह है कि इस कंट्रोल को बाईपास कैसे किया जाए। और आप देखना, जब सच्चाई लोगों को पेट में लगेगी तो ये आपका जो एम्पलीफायर है, लाउडस्पीकर है, ये फेल हो जाएगा। राहुल जी, आखिरी सवाल है। जी, राहुल जी, अभी हाल में ही शरद यादव जी शामिल हुए थे आरजेडी में, तेजस्वी यादव ने कहा था कि विपक्ष की पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अभी आप लोगों ने तय नहीं किया है, 24 का लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, क्या विपक्ष की एकजुटता के लिए कोई प्लान है कांग्रेस के? विपक्ष को, बिल्कुल विपक्ष को
जो भी आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हैं उन सबको एक साथ आना चाहिए। और किस प्रकार आना चाहिए, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, इस पर चर्चा हो रही है और इसको डेवलप करने की जरूरत है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन, चाइनीज स्टेट हैकर्स जो हैं वो पावर ग्रिड जो लद्दाख में है उसको टारगेट किया, उन्होंने वहाँ पर मूवमेंट फिर से देखी गई है बहुत, तो क्या कहते हैं कि चाइना के मुद्दे के ऊपर भी विपक्ष आ रहा था कि डिबेट हो, डिस्कशन नहीं, चाइना के मुद्दे पे डिबेट पार्लियामेंट में नहीं होगी, के मुद्दे पे डिबेट पार्लियामेंट में नहीं होगी। यूक्रेन में, यूक्रेन का प्रिंसिपल क्या है, आपने सोचा यूक्रेन का प्रिंसिपल क्या है? यूक्रेन का प्रिंसिपल यह है कि रूस कहता है कि हम यूक्रेन की टेरिटोरियलिटी को नहीं मानते, हम जो डोनबास रीजन है, लुगांस रीजन है, उसको हम यूक्रेन नहीं मानते हैं। उस बेसिस पे रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। आक्रमण का लक्ष्य क्या है? यूक्रेन और नेटो, यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट्स का जो अलायंस है उसको तोड़ने का लक्ष्य। लॉजिक सही है? यही प्रिंसिपल चाइना हिंदुस्तान में अप्लाई कर रहा है। जैसे उधर उन्होंने कहा है लुगांस्क और डोनेस्क आपका नहीं है, चाइना कह रहा है लद्दाख और अरुणाचल आपका नहीं है, और उन्होंने अपनी ट्रूप्स वहां पे बैठा रखी हैं। सरकार इसको इग्नोर कर रहा है मगर मॉडल उधर है, वो मॉडल यहां भी अप्लाई किया जा सकता है, मगर सरकार रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही। और मैं सरकार से कह रहा हूं रियलिटी को एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर आपने रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया और आपने प्रिपरेशन नहीं की तो जब मामला खराब होगा आप रिएक्ट नहीं कर पाओगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।